अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी हम लाइन में यहीं पे, तो पता नहीं अभी छोड़ेंगे, पिछले 4-5 दिन से यहीं पे लाइन में, तो पता नहीं आज छोड़ेंगे कि नहीं। बोला है तो छोड़ेंगे कानवाई, तो अभी देखते हैं कब छोड़ेंगे कानवाई, तो फिर निकलते हैं हम यहाँ से, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो मिलते हैं आगे। तो अभी हम फ्रंट नाके पे काजीगुंड में टनल के पास में, तो देखते हैं कब छोड़ेंगे कानवाई। अभी तो यहीं पर है, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, तो पीछे की तो बहुत ही नहीं है। ये यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, जाम लग रहा है, लेकिन कानवाई यहाँ से छोड़ दिया 6 दिन के बाद। शुक्र है छोड़ दिया, जाम की तो अब एक ही बात है, छोड़ने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत तंग आ चुके थे हम, अभी निकल चुके हैं यहाँ से, 2-3 गाड़ियाँ आगे हम। अभी तक लगे हैं मार्केट के जाम में बानियाल के पीछे, यहाँ पे मार्केट का जाम लगता है। अभी हो रही है शाम, वहाँ से 2 बजे निकले थे, शाम हो गई हमें यहीं पे। तो अभी पहुंच रहे हम रामबन में, यहाँ पे जाम लगा है रामबन कैफेटेरिया मोड़ का, वहाँ पे स्लो मूवमेंट है तो इसलिए जाम है अभी, बहुत जाम है। ये देख सकते हैं आप, टनल के बीच से भी जाम आ रहा है, आधा किलोमीटर का टनल है यहाँ पे। ये भाई आ गया ओवरटेक में, आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है, यही पंगा कर देते हैं फिर अपने ही भाई यार। जब जाम लगा है, लाइन लगी है, तो लाइन में बैठो यार, किस लिए ओवरटेक करना, इसी वजह से लग जाता है फिर ज़्यादा जाम। आगे से आ रही एम्बुलेंस और इसने जगह ही नहीं रखी है यार, इतने लोग हैं, खुद ही करते हैं पंगा, इसीलिए रात रात जाम में लग जाते हैं यहाँ पर। एम्बुलेंस को यहाँ पर जगह छोड़नी है। कौन से हम कैफेटेरिया मोड़ रामबन में, देखो कितने पत्थर आते हैं, तो कंटिन्यू पत्थर आते रहते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं, सिंगल रास्ता है यहाँ पर, इसका भी बहुत जाम लगता है। चल रहे हैं अभी हम धीरे धीरे नीचे चनाब और ऊपर से आ रहे हैं पत्थर, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल रास्ता, वो भी ख़राब रास्ता है, इसमें बहुत देखो कितने पत्थर आ रहे हैं, ये सब पत्थर ऊपर से आते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ रामबन का ये व्यू। अभी का रोड तो है नहीं बिल्कुल, यहाँ पे नीचे सीधा चनाब है। देखो कितना सिंगल रास्ता है, यहाँ से नीचे आराम से जा रहे हैं गाड़ियाँ, क्योंकि आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ की। तो अभी जाके देखते हैं आगे क्या होगा, चल रहे हैं अभी आराम आराम से।
पहुँचाए हम दार रोड पे। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। अभी मैप के हिसाब से हमें 69 किलोमीटर जाना है, जो कि सुबह 5 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो फाइनली पहुँचाए हम डंपिंग पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10 हो चुके हैं सुबह के। अभी पहुँचे हम यहाँ पे, अभी सो जाते हैं कुछ देर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।